चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स में। याद है कि हम लोग पिछले दिन मैथ्स में 5.1 के क्वेश्चन नंबर 23 तक के किए थे, आज हम लोग 24 से करेंगे। 24 में जो क्वेश्चन है वो एफएक्स का वैल्यू गिवन है, दिया हुआ है एफएक्स का वैल्यू, क्या दिया हुआ है तो दो तरह का फंक्शन दिया है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ये कब यूज करना है, जब एक्स जीरो से बराबर नहीं रहेगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो कब करना है जब एक्स बराबर जीरो रहे। हमको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, कंटिन्यूअस को चेक करना है। किस पॉइंट पे चेक करना है प्यारे दोस्तों, ये हमें नहीं दिया हुआ है कि किस पॉइंट पे चेक करना है। अगर सवाल में रहता कि 2 पे चेक करो, 4 पे चेक करो, 5 पे चेक करो तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सवालों में हम लोग को दिया ही नहीं हुआ है कि किस पॉइंट पे चेक आउट करना है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, लेट एक्स बराबर कितना पे चेक करना है तो सी पे हम मान लेते हैं, कितना पे चेक करना है, सॉरी बाय मिस्टेक, यहां पे हमको ऐसे सवाल में नहीं दिया है ना, तो इसको देखकर पता करना पड़ता है कि किस पे चेक करना है। जैसे आप इसको देखिए, एक्स बराबर जीरो तो ठीक है, और ये बराबर नहीं का मतलब हुआ कि यहां एक्स जो है जीरो से बड़ा भी हो सकता है या एक्स जो है जीरो से छोटा भी हो सकता है, यानी कि कहीं भी अगर बराबर नहीं लिखा रहे तो वहां समझना है कि वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, यानी कि यहां बराबर नहीं है इसका मतलब बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो बड़ा और छोटा दोनों आ गया और यहां पे तो बराबर है, तो आप ये इंटरवल को देख के पहचानिए कि किस पे चेक करेंगे, तो जीरो पे चेक करेंगे, तो यहां पे एट कितना पे, एट एक्स बराबर जीरो, जीरो पे चेक करेंगे, तो जीरो पे सबसे पहले वीएफ निकालेंगे, तो वीएफ कैसे निकलेगा, तो एफ ऑफ जीरो, तो बताइए जीरो किस में बराबर लगा हुआ है, ऊपर में कि नीचे में, तो नीचे में जीरो बराबर लगा हुआ है, तो नीचे में लगा हुआ है तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना, जीरो पक्का। अच्छा अब हम लोग एलएचएल निकालते हैं, तो एलएचएल कैसे निकालेंगे, तो इसका रूल है लिमिट एक्स टेंस टू जितना पे चेक कर रहे हैं उतना माइनस एफ एक्स, उसके बाद लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस जीरो। अब बताइए कि एच से छोटा कौन सा होगा, सॉरी जीरो से छोटा, तो अभी हम लोग ऊपर वाला में देखे कि ये नहीं का मतलब हुआ कि बड़ा और छोटा दोनों इसमें आएगा, तो यहां जीरो से छोटा यूज करना है तो ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर है, तो यहां एच माइनस जीरो का स्क्वायर इंटू साइन 1/x, एक्स का मतलब एच माइनस जीरो। अच्छा उसके बाद हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि h टेंस टू जीरो का मतलब क्या, कि h जहां जहां है वहां जीरो रखो, तो यहां पे तो h के जगह पे जीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो, और जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो, यानी कि h के जगह पे आप जीरो रखेंगे तो जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, और जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो जीरो। चलिए अब आरएचएल निकालते हैं, आरएचएल हमको इसको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। आरएचएल, आरएचएल में कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पे एच माइनस जीरो के बजाय एच प्लस जीरो। अब बताइए प्लस का मतलब कौन सी, एच से बड़ा ना, जीरो से बड़ा, जीरो प्लस का मतलब जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा किस में, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, तो ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में क्यों, क्योंकि इसमें छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है, तो बड़ा वाला का मतलब ऊपर, तो जहां एक्स है वहां रखना है एच प्लस जीरो, तो यहां हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर का मतलब एच प्लस जीरो का स्क्वायर इंटू साइन 1/h+0। अब जहां जहां एच है वहां रखना है जीरो, तो एच के जगह पे अगर जीरो रखेंगे तो जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो, और जीरो का स्क्वायर जीरो, और जीरो से इधर गुना करेंगे तो भी जीरो। इसका मतलब
ये कंटिन्यूअस हुआ कि डिसकंटिन्यूअस, तो बिल्कुल ये कंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि यहां लिख दीजिएगा हियर वी एफ बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, इसलिए ये क्या हो गया, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ये कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से हम लोग आगे भी चेक करेंगे, लेकिन इसमें एक ही ध्यान देने के तो वाला बात है कि अगर नॉट इक्वल रहेगा, इसका मतलब है अगर यहां फोर रहता तो एक्स ग्रेटर देन फोर, एक्स लेस देन फोर, एक्स चार से बड़ा होता, एक्स चार से छोटा, यानी कि बराबर नहीं का मतलब बड़ा और छोटा दोनों हो सकता है, और इसमें बराबर जीरो, तो इस पर हम चेक कर लेंगे। चलिए बातें हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्वेंटी फाइव में जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, इसको भी हम लोग को चेक करना है, चेक करना है गिवन क्या फंक्शन दिया है, एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू दिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कब, जब एक्स जीरो के बराबर नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यहां बड़ा वाला या छोटा वाला दोनों हो सकता है, नहीं का मतलब क्या होता है, बड़ा वाला भी इसी में आएगा, एलएचएल भी इसी का यूज करेंगे और आरएचएल में भी इसी का यूज करेंगे, क्योंकि बराबर नहीं लिखा हुआ है, तो बराबर नहीं का मतलब होता है कि बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं कि माइनस वन कब यूज करना है, जब एक्स बराबर जीरो रहेगा। तो सबसे पहले आप यहां पे चीजों को देखिए, तो कितना पे आप चेक करेंगे, तो जीरो पे चेक करेंगे, क्योंकि जीरो के बराबर भी है, जीरो के बड़ा भी है, जीरो के छोटा भी है, ऐसा नंबर पे चेक किया जाता है जहां पे बड़ा छोटा और बराबर तीनों जुड़ा हुआ है, तो जीरो के साथ तीनों जुड़ा हुआ है, बराबर भी जुड़ा हुआ है, बड़ा भी जुड़ा हुआ है, छोटा भी जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग एट एक्स बराबर कितना पे, जीरो पे। तो अगर जीरो पे चेक करेंगे तो वी एफ कैसे निकालते हैं, बता चुके हैं हम कि एफ ऑफ सॉरी वी एफ कैसे निकालते हैं, तो वी एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, और अगर जीरो पर कितना वैल्यू डायरेक्ट रखना है, माइनस वन, यानी कि जीरो अगर जहां कहीं भी होगा डायरेक्ट माइनस वन रखना है। तो अब हम लोग एलएचएल निकालेंगे, तो एलएचएल कैसे, तो लिमिट कितना पे चेक कर रहे हैं भाई, जीरो पे, तो जीरो माइनस एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ, फिर क्या लिखेंगे, एच टेंस टू जीरो एक्स है तो यहां एच माइनस जीरो। अब बताइए एलएचएल है तो एलएचएल रहे चाहे आरएचएल रहे, बड़ा और छोटा तो ऊपर वाला यूज करना है, तो यहां यूज करेंगे जहां एक्स है वहां एच माइनस जीरो, तो लिमिट साइन एच माइनस जीरो माइनस कोस एच माइनस जीरो कितना, एच टेंस टू जीरो। अब देखिए एच के जगह पे जीरो रखिएगा तो यहां हो जाएगा क्या, साइन जीरो में से जीरो गया जीरो माइनस कोस जीरो में से जीरो गया जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू कितना हो गया, तो साइन जीरो का तो वैल्यू जीरो, साइन जीरो का मान याद है ना ट्रिगोनोमेट्री में, साइन जीरो का वैल्यू जीरो और माइनस कोस जीरो का मान होता है एक, इसलिए हम लोग माइनस एक कर दी, एलएचएल का मान आ गया माइनस एक। इसी तरीके से आप निकालेंगे आर एच एफ, कैसे निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू यहां जीरो माइनस, तो यहां हो जाएगा जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां हो जाएगा एफ एच प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए प्लस है जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा किस में, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, तो ऊपर वाले में, तो ऊपर वाला यही ना फंक्शन है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या रखना है एच प्लस जीरो, तो यहां हो जाएगा साइन एच प्लस जीरो माइनस कॉस एच प्लस जीरो। अब करना क्या है, जहां जहां एच है वहां रखना है जीरो, तो यहां जीरो रखेंगे तो जीरो में प्लस जीरो करेंगे तो जीरो 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 होता है, तो साइन बन गया जीरो माइनस कोस, यहां पे भी एच के जगह पे जीरो रखेंगे तो जीरो और जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो,
साइन जीरो का वैल्यू कितना, तो जीरो, और कोस जीरो का वैल्यू वन, तो यहां हो जाएगा टोटल माइनस वन। तो आप टोटल मिलाकर देखा जाए तो वी एफ और एल एच एल और आर एच एल तीनों का वैल्यू माइनस वन आया, इसलिए यहां पे लिखिएगा हियर वी एफ इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, तीनों बराबर हो गया, इसलिए हम बोलेंगे कि क्या है, इट इज कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से आप सवाल को चेक कर सकते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 25 से बाद 26 में देखेंगे कि 26 वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। नंबर में जो क्वेश्चन है उसको देखा जाए आगे। 26 से 29 बोला जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि 26 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन में आपको के का मान निकालना है। सवाल में बोला है कि एफ जो है कंटिन्यूअस है, सवाल में बोला जा रहा है कहां से कहां तक नंबर, 26 से लेकर 29 तक का नंबर, राइट। अच्छा, इसमें हम खाली 26 बताने वाले हैं, 27, 28, 29 ये तीनों को हम छोड़ देंगे, बिल्कुल ही छोड़ देंगे। 26 को अच्छा से समझिए, 27, 28, 29 को घर से बनाना है आपको। आप बनाइएगा, ग्रुप में सेंड कीजिएगा, हम खुद देखेंगे कि के का मान सही निकाले हैं कि नहीं। सबसे पहले 26 सवाल सीखते हैं कि क्या लिखा हुआ है सवाल में। एफेक्स का जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है 2 के कॉस एक्स बटा पाई माइनस 2x। ये कब इस्तेमाल करना है दोस्तों, जब डज नॉट इक्वल टू रहेगा पाई बाय 2। अच्छा, फिर 3 का इस्तेमाल कब करना है, जब x बराबर पाई बाय 2 रहेगा तब। अब समझिए, यहां पे सवाल को आप देख पा रहे होंगे, अगर ये बराबर नहीं का मतलब क्या, बराबर नहीं का जो मतलब हुआ वो ये कि x का वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ा हो सकता है, चाहे तो x का वैल्यू पाई बाय 2 से छोटा हो सकता है। यानी कि बराबर नहीं कहने का मतलब यह है कि वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात कि यहां डज नॉट इक्वल बोला है, अगर इक्वल बोला है तो हमको तो ठीक है, यानी कि एल एच एल में भी ऊपर वाला यूज करेंगे, छोटा में भी और बड़ा में भी ऊपर वाला इस्तेमाल करेंगे। चलिए, उसके बाद अगर हम चीजों को देखें तो सवाल में क्या बोल रहा है कि के का मान निकालिए, के का मान निकालना है कब, जब यहां पे सवाल गिवन है, गिवन है सवाल में दिया हुआ है कि इट इज कंटिन्यूअस। सवाल ही खुद बोला है कि ये जो वैल्यू है ये खुद कंटिन्यूअस है, आपको दिखाना नहीं है, सवाल बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, यानी कि आपको वी एफ निकालिए, एल एच एल निकालिए, आर एच एल निकालिए। अगर तीनों नहीं भी इक्वल आता है तो आप बराबर कर दीजिए, क्यों, क्योंकि सवाल बोल रहा है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस का मतलब तीनों बराबर। तो अगर वी एफ एल एच एल आर एच एल निकालिए, अगर तीनों बराबर नहीं भी आता है तो जबरदस्ती आप बराबर कर दीजिए और के का मान निकाल लीजिए। चलिए, सबसे पहले आप कंटिन्यूअस बोल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वी एफ और एल एच एल और आर एच एल तीनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। सबसे पहले आप वी एफ निकालिए, कितना पर भाई, तो एक्स बराबर पाई बाई 2, ऐसे सवाल में भी लिख दिया है, नहीं भी लिखता तो हम लोग को समझ में आ जाता कि पाई बाई 2 बराबर में सटा हुआ है, पाई बाई 2 से बड़ा है, पाई बाई 2 से छोटा है, तो पाई बाई 2 पे चेक होगा। तो चलिए, एट कितना पे, एक्स बराबर पाई बाई 2। अब एट एक्स बराबर पाई बाई 2 पे सबसे पहले वी एफ निकालिए, तो वी एफ कितना, तो एक पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 किसमें इक्वल सटा हुआ है, तो नीचे वाला में डायरेक्ट इसका आंसर कितना लिखना है, 3, तो यहां लिख दिया 3। अच्छा, उसके बाद एल एच एल निकालिए, तो एल एच एल कैसे निकालेंगे, तो लिमिट कितना पे चेक कर रहे हैं, पाई बाई 2 पे, तो एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स, उसके बाद लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 पे चेक कर रहे हैं, तो पाई बाई 2 माइनस एच। अब बताइए कि पाई बाई 2 से छोटा किस में होता है, ऊपर वाला में कि नीचे वाला में,
तो ऊपर वाला में छोटा भी है, ऊपर वाला में बड़ा वाला भी है, इसलिए इसका यूज करेंगे के कोस एक्स का, यानी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां के है तो के लिखेंगे, एक्स है कोस एक्स तो एक्स की जगह पे पाई बाय टू माइनस एच बटा पाई माइनस टू, एक्स के जगह पे पाई बाय टू माइनस एच। अब बताइए कि एच के जगह तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहां पे इसको अच्छा से सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो के है इनटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, हम लोग पढ़ते हैं ना कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको देखिए हम लोग इसलिए डायरेक्ट एच के जगह पे जीरो पुट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये लिमिट का कुछ फार्मूला पे आता है, यानी कि एच टेंस टू जीरो, एच के जगह पे अगर जीरो रखेंगे तो मामला सही नहीं रहेगा, इसलिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा तो यहां लिखेंगे साइन एच बटा, अब पाई माइनस टू से टू कट गया तो यहां हो जाएगा माइनस टू पाई, और माइनस माइनस प्लस टू एच, कुल मिलाकर टू से टू कट गया तो टू से टू कट गया तो यहां सिर्फ पाई बचेगा माइनस पाई, ये खत्म। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट, और ये एच टेंस टू जीरो के साइन एच बटा टू एच, के साइन एच बटा टू एच। अच्छा उसके बाद इसको ऊपर से हम लोग लिख रहे हैं क्या होगा, तो एक बटा दू जो है कांस्टेंट जो होता है लिमिट के बाहर आ जाता है, तो एक बटा दू लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां क्या बच जाएगा तो के, सॉरी के भी तो कांस्टेंट है तो के बाहर आ गया के बाई टू, तो यहां बच गया साइन एच बटा एच। और पिछले वीडियोज में भी हम लोग इसीलिए इसको जीरो नहीं पुट कर रहे थे क्योंकि फार्मूला पे लाने का प्रयास कर रहे थे, तो साइन एच बटा एच, तो यहां इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू तो वन हो जाता है, इसलिए के बाय टू इंटू वन, तो कितना आया के बाय टू आया। अच्छा दूसरी बात कि हमको वी एफ एल एच एल आर एच एल तीनों बराबर होना चाहिए, अगर नहीं भी आता तो बराबर कर देते। एक्चुअली होता क्या है ना, इसमें आप आर एच एल निकाल भी सकते हैं नहीं भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वी एफ का वैल्यू आ गया तीन, एल एच एल का वैल्यू आ गया के बाई टू, तो यही से तो मेरा के का मान निकल सकता है। यानी कि अगर किसी केस में आपको दिमाग लगाना है, हमको अगर यहां एल एच एल में कुछ वैल्यू आ जाता जैसे तीन आ जाता चाहे चार आ जाता राइट, तब हमको फिर आर एच एल निकालना पड़ता, यानी कि के का मान कुछ आ गया तब फिर हम लोग दोनों को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। आप चाहें तो आर एच एल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आर एच एल रहता तो हम इसी में चेंज करके दिखा रहे हैं कि आर एच एल का मान कैसे निकालेंगे, एल एच एल तो मान फिक्स है। चलिए अब यहां लिखते हम लोग आर एच एल, तो यहां हो जाता प्लस, यहां हो जाता प्लस, और इसको रखते तो यहां हो जाता प्लस, यहां हो जाता प्लस। अब यहां के बाद एक फॉर्मूला होता है कि कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, कोस 90 डिग्री प्लस थीटा होता है साइन थीटा, ये रूल था, तो कोस 90 प्लस थीटा यहां हो जाता साइन थीटा, और यहां हो जाता कितना तो पाई माइनस पाई और माइनस टू एच, यानी सॉरी यहां पे टू एक्स था ना, तो यहां हो जाता पाई माइनस टू पाई बाय टू, सॉरी यहां पे ये नहीं होता है, कोस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कोस 90 प्लस थीटा था तो यहां हो जाता माइनस साइन एच, कोस 90 प्लस माइनस साइन एच, और इसको जब यहां करते तो माइनस में आता और ये माइनस प्लस ये माइनस में आ जाता, तो ये तो कट गया, अब ऊपर क्या बचता तो माइनस के और यहां पे माइनस टू एच, ये कट जाता, के बाय टू बाहर निकाल लेते वही बच जाता। यानी कि आप आर एच एल भी निकाल सकते हैं नहीं भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको तो आर एच एल और एल एच एल दोनों सेम ही आएगा क्योंकि दोनों में तो यही इस्तेमाल करना है ना, और हमको तो फाइनल के का मान निकालना है, इसलिए अब करेंगे क्या, इसको निकालने के बाद तीनों निकाल लेंगे तो और बेटर है, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, चूंकि इट इज कंटिन्यूअस इसलिए वी एफ एल एच एल बराबर, तो वी एफ का मान आया था तीन,
एडीएचएल का मान आया के बाई टू, आरएचएल का भी आया के बाई टू, तो हमको के का मान निकालना है कौन से नंबर से कौन से नंबर तक, 26 से लेकर 29 तक के सवाल में के का मान निकालना है। तो अब आप इसको इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, अगर आप इसको लेते हैं तो के का वैल्यू नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों तो कट जाएगा, इसलिए आपको दिमाग लगाना होगा, हम चलेंगे सिर्फ इससे। तो नीचे 2 है इधर आएगा तो 3 × 2, इसलिए यानी कि के का वैल्यू 6 रख देने से ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये था कि आप 26 से लेकर 29 तक के सवाल में सब में के का मान निकालना है, के का मान निकालना है, और सब जो है 26 27 28 29 ये सब कंटिन्यूअस है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि 26 के बाद यानी कि 27 28 29 को बनाकर के का मान निकालकर आप ग्रुप में सेंड कीजिए, हम आपको चेक करेंगे किसका सही है किसका गलत है। फिलहाल अगले दिन से हम लोग 30 से वीडियो जो स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी बच्चों का नहीं बनता है ये क्वेश्चन तो जब भी लॉकडाउन के बाद खत्म होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, क्योंकि एक ही तरह का क्वेश्चन है और एक ही तरह के क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा होगा और आप घर पे नहीं पढ़ेंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है, इसलिए आप घर पे इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए और फिर ट्राई कीजिए। थैंक यू।